हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल RRP ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इस लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स के जो मोमेंट का चैप्टर है, जो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, आपको सभी को पता है कि जो मोमेंट है वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए कुछ फॉर्मूले आप याद रखिएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोमेंट का जो फॉर्मूला है, मोमेंट को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोमेंट आर इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा आपका मोमेंट। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ मोमेंट, तो यूनिट ऑफ मोमेंट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम न्यूटन मीटर होता है। अगर इसके स्थान पर न्यूटन एमएम भी हो सकता है, यदि उसकी फोर्स के मान चेंज है। अगर न्यूटन के स्थान पर किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन मीटर हो सकता है, न्यूटन एमएम हो सकता है, लेकिन जनरली न्यूटन मीटर होता है। और मोमेंट जब हम किसी बिंदु के सापेक्ष, अगर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बिंदु के सापेक्ष सभी मोमेंट या आघूर्ण का जो विजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। और वो क्या होता है कि एक साइड में हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसको दूसरे साइड अगर लाया जाएगा तो ये कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव ले लें और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लें, तो इनका जो समेशन होगा, इनका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा। तो इसी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अर्थात कि एक 10 न्यूटन का भार किसी पिंड पर क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ये फोर्स जो हो गया वो क्या है, गिवन है आपका 10 न्यूटन। कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी हुज वन एंड इज फिक्स्ड, दूसरा जो किनारा है एक बॉडी का वो क्या है, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ऐसे देखा जाए कि ये एक मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका एक सिरा जो है वो फिक्स्ड है, ऐसे ये क्या है, फिक्स्ड है। और दूसरे सिरे पर 10 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या लिख रहा है आगे, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 4 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड, अर्थात यह जो फोर्स है वह इस फिक्स बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर लग रहा है, तब मोमेंट क्या हो जाएगा। तो एक देखिए यहाँ से गिवन क्या हो गया कि देन फोर्स आर इक्वल टू 10 न्यूटन, देन डिस्टेंस परपेंडिकुलर इज 4 न्यूटन, देन मोमेंट क्या होगा कि मोमेंट आर इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, 10 इंटू 4, ये हो गया 40। अब इसकी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर। अब देखिए ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो हम किसे ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम उसको क्या कर लेते, निगेटिव ले लेते। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, या इस तरीके से डायग्राम बना दे और कह दे कि फाइंड द मोमेंट एट अ फिक्स पॉइंट। यहां से भी कह सकता है कि फाइंड द मोमेंट एट फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि फिक्स्ड बिंदु पर मोमेंट कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 40 न्यूटन मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड, देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है उसको हम लिख दे रहे हैं, देन ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ये दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, अगर ऑप्शन दे दे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कि इफेक्ट अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड, अगर बहुत सारे ऑप्शन दे दे, ए दे दे फोर्स, बी मोमेंट, सी टॉर्क एंड डी ट्विस्ट या फिर और बेंडिंग, तो इस प्रकार के यानी कि जो इफेक्ट है फोर्स का वो किसी बिंदु के एपाक उसको क्या करता है, उसको रोटेट कराने की कोशिश करता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, मोमेंट यहाँ से आंसर होगा। क्लियर? तो इस प्रकार के भी अब एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ले लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। लिखा है कपल इज ऑलवेज एस, लिखा हुआ है कपल इज आल्सो
नोन एज। अब देखिए, जो कपल को हम हमेशा क्या कह सकते हैं, देखिए कपल क्या होता है कि इस तरीके से आप डायग्राम याद रखिएगा, अगर इधर और इधर दोनों फोर्स पी मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं और एक रेखा पर वर्क कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से क्या है समांतर हैं, तो कपल इज आल्सो नोन एज, तो इसका जो ऑप्शन होगा दिया होगा वो क्या होगा, टॉर्क। क्या है? टॉर्क। अगर आंसर लिखा जाए तो इसका हो जाएगा टॉर्क। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी पॉइंट याद होना चाहिए, अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़े रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ न्यूमेरिकल से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ थ्योरी भी हो सकती हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि अ कपल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई अ, लिखा हुआ है कि अ कपल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई, तो यहां पर अ, तो जो कपल है वो किसके रिप्लेस क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्स। तो अगर ऑप्शन में आप फोर्स है तो वहां से आप इसको टिक कर सकते हैं। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि आर्म ऑफ कपल इज, लिखा है आर्म ऑफ कपल इज, आर्म ऑफ कपल इज, अगर हम खाली स्थान छोड़ दें, बिटवीन टू फोर्सेस। तो अब देखिए, जो आर्म है वो क्या होता है, हमेशा अब दो फोर्सों के बीच में कपल के, ये एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है। किस पे होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस प्रकार से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप प्रॉपर, अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में या फिर थ्योरेटिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।